श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती कुनबे पर निशाना साधा। चुग ने कहा है कि तीन परिवारों ने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर पर राज किया है और यहां के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। उन्होंने कहा है कि तीनों परिवार ही जम्मू कश्मीर के हालात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख देने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डेमोक्रेसी पर यकीन करती है और जम्मू कश्मीर में हदबंदी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव पर भी गौर खास किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहतर ढंग से हों, बीजेपी पूरी तरीके से इसकी हिमायत करेगी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है। कश्मीर का मोमडन हो या कश्मीर का पंडित, कश्मीर का सूफी हो या कश्मीर का सुन्नी हो, कश्मीर का जैन हो कश्मीर का बुद्धिस्ट हो, कश्मीर का जम्मू कश्मीर का वो भाईचारे के साथ है। कुछ लोग उस भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं हुआ।